कम बैक इन टू माई अनदर ब्लॉग। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सबको, गुड मॉर्निंग। और आज ना 1 मार्च है, तो आज शिवरात्रि है, तो सबको हैप्पी शिवरात्रि। आज हॉलीडे भी है, तो आज ना बहुत मजा करेंगे, दिन भर पूरा दिन मजेदार गुजरने वाला है। तो ब्लॉग में ना अंत तक बने रहिएगा। मैं सुबह के बज रहे हैं 5:30, तो मैं उठ चुका हूँ, ब्लॉग को लगा दिया अपलोड पे, थंबनेल को भी एडिट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज ना शिवरात्रि है ना, तो आप देख सकते हो मम्मी ने सुबह सुबह उठते मेरे हाथ में क्या पकड़ा दिया है। देखो भाई, सुबह सुबह हमें सुबह पोछा लगाना है, तो चारों रूम का पोछा लगवाना हो गया है। तो अभी फैन को कर देते हैं चालू, ताकि जल्द से जल्द सूख जाए। यहाँ पर की भी चालू करते हैं, और मेरे रूम की फैन को भी चालू कर देते फटाफट से। तो फ्रेंड्स, आज छुट्टी है, तो आज पापा जी नहीं जाएंगे, तो आज ना हमें जाना है खेत। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं, हमें जल्दी जाना होगा, वरना पंछी आके पूरी की पूरी फसल खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। भाई, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, और जितना हो सके उतना शेयर करो। देखो भाई, ओपी सनराइज। तो फ्रेंड्स, अभी आई एम एंटरिंग अवर फील्ड, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, करते एंट्री। भाई, यहाँ से एंट्री भी ले ली, अभी चलते हैं सीधा, वो कर देते हैं चालू। तो भाई, मोटर को भी कर दिया हमने चालू। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ना पूरा खाली पड़ा है अब, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ था जो कि कट चुका है। अब देख सकते हो आप, ये गेहूँ है जो कि कट चुका है। देखो, कटने के बाद ना इन्हें ऐसा बांध दिया जाता है, बांधने के बाद इन्हें ना सूखने दिया जाता है थोड़ी देर, और फिर सूखने के बाद ना इनकी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग मतलब गेहूँ को एक तरफ निकाल लिया जाता है, और बाकी का पूरा कचरा वचरा है ना, वो एक तरफ गिर जाता है। तो अभी ना अंदर गिरेगा पानी, वरना ना बाहर ऐसा नीचे से बह के जा रहा था। एंड दिस इज वेल, मतलब ये वेल है, इसमें पानी, इसी से हम पूरा इरिगेशन होता है यहाँ पर, कि छोटी मोटर है ये यहाँ पर, ये वेल में है, ये वेल में से बड़ी मोटर है। वहाँ का पानी ना, इसमें थोड़ा कम पानी है, तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उससे ना इसे भरते है, फिर इसमें से ना पूरे खेत में इरिगेशन करते है, यहीं से पानी जाता है। 4 से 5 दिन के बाद आ रहे हैं यहाँ पर दोबारा, क्योंकि डेली हम कॉलेज जा रहे हैं, तो वो यहाँ कैसे आए। भाई, देख सकते हो आप कितनी बढ़ गई है। भाई, मुझे ना अभी भी इसका नाम पता नहीं है, क्या कहते हैं इसे, पर देख सकते हो यहाँ पर बीच में ना हरा धनिया है, दिस इज हरा धनिया। और यहाँ पर है, ये भी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसके तो फ्लावरिंग भी आना चालू हो गया है, आप देख सकते हो। हमें यहीं बैठना है, इस फसल को ना पंछियों से प्रोटेक्ट करना है, उन्हें आने नहीं देना है, उन्हें बैठने नहीं देना है, वरना सब बर्बाद कर देंगे, कितने भी पंछी आ जाए किसी को खाने नहीं देगा साल। यहाँ पर ना पंछियों को भगाने के लिए क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना ये देख सकते हो आप, ये छोटा सा हम बजा के ड्रम, छोटा सा ड्रम कह सकते हैं, इसे बजा के ना भगा सकते हैं। और एक चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको, वो किया यहाँ पर नीचे चार्जिंग लग रहा है, ये माइक्रोफोन देख सकते हो आप, ये देख। तो फ्रेंड्स, मैंने माइक्रोफोन लगा दिया है, चालू कर दिया है उसे, और अभी हम चलते हैं घर पर। मैं ना घर पे आ चुका हूँ, आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले जाके नहा लिया है मैंने, तो सबसे पहले जाके शिव जी के दर्शन करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, शिव जी के दर्शन मैंने भी कर लिए, आपको भी करा दिए। तो आज मैं ना उपवास हूँ, हर कोई रहता है भाई, तो मैं भी हूँ, तो हमें ना आज सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स या फिर जो कुछ उपवास के लिए बैन नहीं है वो चीज़ें खाएंगे हम सिर्फ। तो फ्रेंड्स, उपवास में ना हम ये भी खा सकते हैं,
देख सकते हो ये। तो अभी ना मैं टीवी देखते हुए खाता हूँ मस्त, अंदर जाके भाई रूम में ना पूरा अंधेरा है क्योंकि लाइट बंद कर रखी है। लाइट चालू, टीवी चालू, फैन चालू, तो अभी मस्त खाते हुए देखते हैं। फ्रेंड्स अभी ना हम यहीं पे हमारे अड्डे पे बैठ के, तो अड्डे अड्डा ही बोलते हैं भाई ये क्या है, नहीं तो खोपचा हमारा खोपचा है। तो ना अभी कस्टम हो रहे थे, दो कस्टम हुए, एक हम जीते एक सामने वाले जीते, तो और एक लगा रहे। तो आज ना भाई मस्त खाली खेलने का ही है भाई आज, नो टेंशन, ना लिखने का टेंशन, ना पढ़ने का टेंशन। हम ना वहीं पे थे, कस्टम खेल रहे थे, लिटरली हम 5-7 कस्टम खेले और उसमें से सिर्फ एक ही हारे। तो अभी ना 1:30 बज चुका है टाइम, तो भूख लग रही है भाई, उपवास है फिर भी कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड्स अभी ना टाइम हो रहा है 4 बज रहे इवनिंग के, तो मैं ना 2 घंटे सो गया था भाई, क्योंकि कल रात 11:30 बजे तक वीडियो एडिट की था, 11:30 बजे 11:30 बज गए थे मुझे वीडियो एडिट करने के लिए ही, और सुबह भी जल्दी 5:30 बजे उठ गया था। तो अभी ना पापा ने फ़ोन किया था, कॉल किया था, कह रहे थे जल्दी आ जाओ मंदिर के पास, पता नहीं क्या काम है, तो चलते हैं वहीं पे मिलता हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स काम ना कुछ नहीं है, बस हमें इस लीमू के पेड़ के नीचे बैठे रहना है और इधर नज़र रखना है खेत में कि कहीं गाय यहाँ से कहीं भाग ना जाए। तो मस्त इधर बैठते इस ठंडी छाँव में, घर पर आ चुका हूँ, तो देखते हैं अभी ये लोग क्या कर रहे हैं भाई। किसके साथ कस्टम कर रहे हैं? पीडीएल 1 वर्सेस पीडीएल 2 कस्टम चल रहा है उनके साथ। जी हाँ, 2v2। जी गाइस मुझे मत देखिएगा। ओ भाई ये बंदा क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स आज ना आज रात को 12 बजे ना मंदिर पे आरती होती है, तो अभी ना हम वहीं चलते हैं। अभी फिलहाल अभी बज रहे रात के 9 बज रहे, तो अभी हम वहीं जाते हैं, आपको बताता हूँ मैं पूरा। अभी ना 12:30 बज चुका है टाइम, 12:30 हो रहे, तो मैंने आपको बताया है आरती भी हो चुकी है फिक्स ना, रात को 12 बजे आरती होती है शिवरात्रि के दिन। तो पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली व्लॉग्स अपलोड करने और डेली के डेली व्लॉग्स आने वाले, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। खत्म।